मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां संघ के सदस्यों को शपथ दिलाई गई तो वहीं संघ द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जगह जगह से आए पटवारियों के बीच अपनी बात रखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश के विकास में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पटवारियों की मांगों को शासन स्तर से पूरा कराने का तत्परता से प्रयास किया जाएगा। पटवारियों की जिम्मेदारी है कि राजस्व संबंधित प्रकरणों का समय पर निराकरण करें, कोई प्रकरण लंबित ना रहे और प्रदेश में राजस्व महाभियान न चलाना पड़े। टीम भावना की जरूरत। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री को पटवारियों ने समस्या बताई है। कार्यक्रम मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का साल श्रीफल से सम्मान भी किया गया। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने पटवारियों की विभिन्न मांगों की ओर से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का ध्यान आकृष्ट कराया। उप मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय कार्य के लिए दिव्या नायक को सम्मानित किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में पटवारीगण उपस्थित रहे। अंदर केवल ये होता है कि अधिकारियों पे प्रेशर लगता है, कार्रवाई नहीं होती, पटवारी को बनी कबकड़ा बना दिया जाता है। इसलिए इस तरह के जितने भी नियम विरुद्ध नियम का पालन ना करते हुए अभियान या महाअभियान जो भी चलाए जाए तैयार कर देते हैं, ठोक दी जाती है पटवारियों पे। जब वही नियुक्ति हुई थी तब हमने देखा था कोई भी योजना ऊपर से आती है और कोई योजना कलेक्टर के पास आई, कलेक्टर के यहाँ से आरू बैठक हुई, आरू बैठक में हमने निर्देश दिए तो हमारे राजस्व अधिकारी क्या करते थे कि बताते थे कि ये व्यक्तिगत ये समस्या जाएगी, इसमें ये समस्या जाएगी, उसमें बेसिक संशोधन करके और लाई जाती है। परंतु अब जब महाअभियान आ गए अब क्या होने लगा, वो है हर काम की प्रक्रिया निर्धारित है। देखो हम जो भी काम करते हैं उसके लिए नियम बने हुए हैं, हर काम के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। तो महाअभियान कहां से आ गए, महाअभियान क्यों आ गए, प्रक्रिया निर्धारित है क्यों, हमें प्रेशर करके हमें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं इसमें एक साथ जो हमारी अभी 10 मार्च को चुनाव हुआ था उसके बाद एक प्रांतीय कार्यकारिणी बनाई जाती है जो पटवारियों को काम करती है और उस प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण है। साथ में जो रीवा संभाग है, रीवा संभाग का पटवारियों को सम्मेलन है, ये इसमें हर जिले की समस्याएं बताई जाएंगी, उनको हम निकालेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको फिर मंत्री जी को और वहां जाकर उनका निराकरण कराएंगे। साथ में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है जो पूरे प्रांत में हमारी ये कार्यकारिणी है करीब 300 लोगों की, उन 300 लोगों की बैठक भी है, वो सारे लोग आएंगे, अपने अपने विचार रखते हैं। ये हमारी रूटीन बैठक हर 3 महीने में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। पूरे मध्य प्रदेश में कितने पटवारी हैं और क्या उनसे काम लिया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में इस समय 26,000 पटवारी हैं टोटल, ट्रेनिंग और बाकी सबको मिला के। उनसे काम मत पूछिए, ऐसा कोई काम नहीं जो पटवारी से नहीं लिया जाता। 56 विभागों काम पटवारी करते हैं और जो काम कोई नहीं कर पाता वो फिर लास्ट में पटवारी करते हैं। और इसमें जैसे अभी आपका बाढ़ आपदा आई है, हमारे कटनी जिले के साथ ही आ रहे थे, वहाँ पता चला कि हाईवे में ही पानी भर गया है, रुका हुआ है, सारे पटवारी अब नाव लेके वहाँ आपदा में लगे हुए हैं, सारे लोग हटा रहे हैं। शासन से प्रमुख मांगे क्या है आपकी? शासन से मांगे, हड़ताल थोड़े ना हो रही है यहाँ पर, मांगे हमारी ये कि हमारा वेतन मान 2,800 किया जाए, हमारे काम फिक्स किए जाएँ और हमें जो ई डायरी की बात आ रही है डायरी हटाई जाए। सबसे बड़ा काम है पटवारी का, काम ही फिक्स नहीं है, पटवारी 24 घंटे 7 दिन काम करता है, जबकि मोदी जी का कहना है कि 5 दिन काम करना है, 10 से 5 काम करना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा काम ही फिक्स कर दो, हमारा ना काम फिक्स है ना हमारा, केवल हम सिंगल काम करते हैं। राजस्व विभाग में इकलौता पटवारी काम करता है, बाकी चाहे आपके आरआई हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, सारे लोग उसकी समीक्षा करते हैं। इससे आपके सरकार से कोई बात हुई इस विषय पर लेकर? सरकार से, सरकार आ रही, सरकार आएगी तो बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? सरकार का इंतजार कर रहे हैं। क्या पद है? उपेंद्र सिंह बाघेल, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल। प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ समारोह है और संभागीय सम्मेलन, क्या क्या इस पर हमारे सभी पटवारियों के बारे में जो जो कार्य करते हैं उसके बारे में समझाया जा रहा है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को
क्या फोन दिया जाएगा? आमतौर पर पटवारी प्रशासन से त्रस्त रहते हैं, इस पर क्या अभी विचार आया है? क्या नहीं रहता पटवारी को 56 प्रकार के कार्य दिए गए हैं जिसमें करने में कठिनाई आती है, 3-3 विभाग से रिलेटेड पटवारी रहता है, इसके कारण पटवारी परेशान। तो किस क्या है इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि शासन हमारा वेतन वाहन बनाए और हमारे राजस्व कार्य का बस काम दिया जाए, बाहर का काम ना दिया जाए। बाहर के काम कौन कौन से होते हैं? ऐसे 56 प्रकार के हमारे यहाँ काम दिए जाते हैं, हर विभाग के कुछ जो न होने वाले काम रहते हैं वो पटवारियों को सौंपे जाते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अनंत प्रताप सिंह। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9846-808।